नमस्कार रेप्टिलाई में आपके साथ में हूँ सिमरन कौर। परमात्मा जिसको नामदान देने की पावर देता है उसको देखना और उसके रूप को याद करना चाहिए। जड़ मूर्तियाँ फोटो ताकत नहीं दे सकती, वक्त के गुरु को देखने याद करने से ही वो ताकत शक्ति मिलेगी। शरीर छोड़ते समय सभी नामदानियों की डोरी बाबा जय गुरुदेव जिनको पकड़ा कर गए अपने गुरु के आदेश से और संत मत के विधान के अनुसार, वक्त के पूरे संत सदगुरु होने के नाते सभी पुराने जीवों की संभाल करने वाले और नए जीवों को नाम देने वाले उज्जैन के संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने 17 जनवरी 2022 को उज्जैन आश्रम पर दिए पौष पूर्णिमा सत्संग में बताया कि गुरु महाराज ने हमारे लिए आदेश दिया कि नयों को नामदान और पुरानों की संभाल करेंगे। इसमें कर्मों का लेना देना होता है, इच्छा नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा कि एक समय पर एक ही को नामदान देने का अधिकार होता है, आप नामदान नहीं दोगे तो फिर कौन देगा। गुरु महाराज का फिर आदेश मिल गया, अब नामदान देना शुरू कर दो, तो मैंने नामदान देना शुरू कर दिया। ऑनलाइन नामदान नहीं दिया जाता, एक बार तो कम से कम सामने आना ही पड़ता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। संत मत में गुरु को ही सब कुछ माना गया है, उनके अंदर वह प्रभु पावर देता है नामदान देने की, बताने समझाने की, जीवों को संभालने मदद करने की। तो जिसको पावर देता है उसको देखना चाहिए, उसके रूप को याद करना चाहिए। देखेगा नहीं तो वह ताकत नहीं मिल पाएगी। सूरज का कागज़ पर प्रतिबिंब बनाकर किरणें चाहे कितनी तेज कर दो लेकिन रोशनी गर्मी नहीं देगी, ऐसे ही जड़ मूर्तियां फोटो ताकत नहीं दे सकती। चेतन जीवात्मा के उद्धार के लिए चेतन की जरूरत होती है। चेतन जैसे चलने फिरने बोलने वाला मनुष्य, यानी जैसे पूरे समर्थ संत सदगुरु। गुरु कोई हार्ड मास के शरीर का नाम नहीं, गुरु एक पावर शक्ति होती है जो कण कण में व्याप्त है। जैसे बेटा रोटी खाने दूध पीने ना आ पावे तो बाप की तरह सर्व समर्थ गुरु भक्त को बुलाकर खुद ताकत शक्ति को दे दिया करते हैं। गुरु महाराज ने जब आदेश दिया कि नामदान देना शुरू कर दो, तब बताने लग गया। इच्छा तो नहीं हो रही थी, ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन लोगों ने कहा कि एक समय पर एक ही नामदान देने वाला होता है, एक ही को अधिकार दिया जाता है, तुम नामदान नहीं दोगे तो फिर कौन देगा, इसलिए गुरु के आदेश का पालन करो। तो भी नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि इसमें कर्मों का लेना देना होता है, लेकिन गुरु महाराज का फिर आदेश मिल गया कि अब नामदान देना शुरू कर दो, तो नामदान देना शुरू कर दिया। तो आप बोलोगे तो आपके सुनने से उसका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यह है संत मत, इसमें यानी समझो कि गुरु को ही सब कुछ माना गया, आप ये समझो कि उसके अंदर वो प्रभु पावर देता है नामदान देने की, बताने के, समझाने की, जीवों के संभाल में मदद करने की वो पावर देता है। तो जिसको पावर देता है उसको देखना चाहिए, उसके रूप को याद करना चाहिए। कहा ना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो समझ लो कि सबसे पहले गुरु को ही याद किया जाता है। तो जब यानी समझ लो कि देखेगा नहीं कोई तो वो ताकत नहीं मिल पाएगी। देखो प्रेमियों, सूरज निकला है और सूरज रोशनी दे रहा है, सूरज गर्मी दे रहा है, सूरज को आप देख नहीं सकते हो, किरणें इतनी तेज हैं कि आपकी आँखों में लगेंगी, लेकिन इसी सूरज का अगर समझो कागज के ऊपर प्रतिबिंब यानी सूरज को बना दिया जाए और उसमें किरणें खूब तेज आप ये समझो कि बना दिए जाएं, लेकिन वो रोशनी तो नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। आप ये समझो कि वो जड़ है, वो नहीं दे सकता है। जो फोटो ही है, आप ये समझो कि फोटो ही यानी समझो कि ताकत नहीं देती। फोटो तो एक यादगार के लिए होता है, मूर्तियां जो होती हैं एक यादगार के लिए होती हैं, लेकिन वो जड़ होती हैं। जड़ चेतन की मदद नहीं कर सकता है। चेतन किसको कहते हैं? चेतन मनुष्य है। चेतन वो है कि जिसके अंदर चेतना हो, जो सुनता हो, बोलता हो, चलता हो, यानी खाता हो, टट्टी पेशाब करता हो, वो है चेतन। आप ये समझो, यानी तो चेतन की मदद जड़ नहीं कर सकता है।
चेतन के लिए चेतन की जरूरत होती है, इसीलिए संतमत में कहा गया हो सके तो गुरु का दर्शन रोज करो, न कर पाओ दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, 15 दिन में एक बार करो, महीने में एक बार करो, 3 महीने में एक बार करो, नहीं तो साल में एक बार करना जरूरी होता है। बरस दिना में दर्श नकीना ताको लागे दोष, का कबीर वाको कभी न होवे मोक्ष। लेकिन जैसे इस समय पर आप देखो प्रेमियों, विदेश बहुत दूर है, 20-20, 22-22 घंटा यानी हवाई जहाज से उड़ करके जाने में लगता है वहाँ पहुँचने में, तो हर कोई तो वहाँ यानी समझो कि यानी समझो वहाँ से आ नहीं सकता यहाँ भारत में, और भारत में जो ये काम करने वाले हैं वो वहाँ रोज जा नहीं सकते हैं, तो सालों बीत जाता है। परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि चाहते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह लोग नहीं आ जा पाते हैं। ऐसे ही जब साधन की कमी थी पहले के समय में, ट्रेन बस जब नहीं थे, तो महीना महीना दो दो महीना गुरु का दर्शन करने के लिए पैदल चल करके लोग जाते थे, तो उस समय पर छूट दे दिया था। क्या छूट दे दिया था कि अगर साल में एक बार दर्शन न कर पाओ, गुरु का दर्शन जल्दी जल्दी न हो, तो जो गुरु का दर्शन करके आया है उसी का दर्शन कर लो, तो गुरु के दर्शन का लाभ मिल जाता है। तो गुरु एक पावर होती है, गुरु कोई हाण मांस के शरीर का नाम नहीं होता है, गुरु एक शक्ति होती है, और वो शक्ति किससे झलकती है, किससे निकलती है, आँखों से, मुंह से, यानी समझो कि रोम रोम से वो शक्ति निकलती है। जो उस शक्ति को लेना चाहता है कहीं ना कहीं से उस शक्ति को सामने पड़ने पर ले लेता है, मिल जाता है। और जब एक तरह से बाप बेटे का संबंध हो जाता है, जब एक तरह से तो बाप यानी बेटा न भी ले पावे, दूध न भी यानी समझो पीने के लिए पहुंच पावे, तो बाप बुला करके दूध पिलाता है, रोटी खा ले नहीं तो कमजोरी आ जाएगी, ले दूध पी ले नहीं तो कमजोरी आ जाएगी, तो खेलता ही रहता है, कमज़ोर हो जाएगा, ले पी ले, फिर जा खेलना, फिर पढ़ना, फिर ये काम करना, तो आप ये समझो कि वो खुद भी यानी समझो कि ताकत शक्ति को दे दिया करते हैं। तो कहा गया है कि प्रेमियों सामने होना चाहिए, सामने से नामदान लेना चाहिए, सामने बैठ करके सुनना चाहिए, सामने एक बार जरूर पढ़ना चाहिए।